नेक्स्ट स्टेप स्किप किया है, वो स्टेप ये था कि हमें घी के अंदर दूध को बॉईल नहीं करना था, पहले घी के अंदर ये साबुदाना को फ्राई करना था, जो कि हमने स्किप कर दिया है। तो आप वैसे करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो साबुदाना, कितने मस्त दिख रहे हैं, सफेद सफेद मस्त फूल गया है वो। मेरे मम्मी ने रात में उसको भिगो के रखा था, तो ये रात भर भिगोने की जरूरत नहीं होती है, 2 घंटे भिगोगे तो भी हो जाता है। बहुत मस्त लग रहा है मुझे। अभी ये जो मिल्क है विथ घी दिख रहा है आपको, कैसे उबाल आ रही है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो देखो, और जूम नहीं हुआ। अब उसके अंदर मैं डालने वाली हूँ साबुदाना। मेरा थोड़ा प्रोसेस, एक हाथ में फोन है तो थोड़ा गलत तरीके से डाल रही हूँ, पर आप ऐसे मत करना। और आपको चाहिए उतना साबुदाना लो, चाहिए उतना मिल्क लो, और चाहिए उतना ड्राई फ्रूट्स लो, आपकी मर्जी। मैं तो मुझे चाहिए उतना ले रही हूँ। ठीक है, ये जो साबुदाना है इसका मैं आधा बनाने वाली हूँ खीर, और आधा बनाने वाली हूँ साबुदाने के वड़ी भर जो बनते हैं वो। तो अब ये आधा हो गया है खीर के लिए, इनफ ऐसा। ओह शिट, गैस जो है वो स्लो ही रखना। और ये मस्त भी ऐसे दिख रहा है, और भी मस्त दिखने वाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर, शुगर का ढक्कन खोल रही थी, और अभी 1 स्पून आपको चाहिए उतना आप शुगर डालो, मुझे चाहिए उतना मैं डालूंगी, ऐसे कोई नाबंदी नहीं है। आप कितना स्वीट खाना पसंद करते हो ये मुझे कैसे बताओ? मुझे ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा, तो कभी कभार खा लेती हूँ। अब ये जो शक्कर है उसमें मिक्स हो रहा है, और ये दिख रहा है आपको घी है साइड से, ये सबको मिक्स होने दो। मुझे मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं शुगर उसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपको डायबिटीज है ज्यादा मत खाना। और ये दिख रहा है आपको, ये काली मूंगी है जो कि मेरे शक्कर में थी, और अब मेरे खाने में आ चुकी है, और मैंने अभी उसे बाहर निकाल दिया। वैसे बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, अमीरों का पता नहीं, कि काली मूंगी खाने से आँख अच्छे होते हैं। कभी गूगल नहीं किया है मैंने काली मूंगी, मूंगी को क्या बोलते हैं, मुंगड़ा, मूंगी बोलते हैं ना। और मेरी मम्मी कमेंट्री कर रही है बेडरूम में से, मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ड्राई फ्रूट्स कम हो गए हैं, अब मुझे इसके अंदर और डालने हैं, पर मैं अभी ट्राई करके डालूंगी। ठीक है ना, पहली बार बना रही थी, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। और ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी, खत्म, क्या गेम ओवर। अब ये खाने वाले हैं हम 3 लोग, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। ठीक है, तो बताओ मुझे आपको मजा आया कि नहीं आया मेरे साथ शब्दन का खिचड़ी मीठा वाला।
इसे कहते हैं मराठी में साबुदाण्याची खीर। और ये जो खीर बनके रेडी है। तो बाय गाइस, अब हम मिलते हैं बाद में।